नमस्कार, मैं हूं अजीत मेंदोला और मेरे साथ अब चर्चा के लिए हैं महेश जोशी, जिनका परिचय आप सभी जानते हैं। मुख्य सचेतक हैं इस समय और अपने जयपुर में पहले सांसद रह चुके हैं, इस बार एमएलए बने हैं और अब ये अंतिम चर्चा है। हमारे साथ में अरुण चतुर्वेदी जी को भी आना था, किसी वजह से वो आ नहीं पाए। और अब जो विषय है, विषय यही है कि वायदे किए जाते हैं, कई घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वो वायदे घोषणाएं जो हैं चुनाव के दौरान होती हैं, बाद में उनमें कितना अमल होता है नहीं होता है, कई बार बातें होती हैं। तो महेश जी, आज सवेरे से यहाँ पे जो तीन चार दौर की चर्चा हुई, बातें हुई, उसमें एक सवाल ये निकल के आया, क्योंकि आप राजस्थान से हैं और जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक वायदा हुआ था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि आपने उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया, क्या ऐसा है? अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका और इंडिया न्यूज का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपने मौका दिया ताकि हम अपनी बात आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कोने कोने तक पहुंचा सकें। दूसरा, आपने जो सवाल किया है, संभवतया देश नहीं तो कम से कम राजस्थान के इतिहास के बारे में कह सकता हूं कि 1998 में जो चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, विधानसभा का पहला जो अभिभाषण सत्र था, उस सत्र में मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र राज्य के मुख्य सचिव को देकर उनको यह आदेश दिया कि ये ही हमारी कार्य योजना है। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव घोषणा पत्र की गंभीरता को राजस्थान की राजनीति में समझा गया। सरकारें पहले कोई रही हूं, मैं पार्टी की बात नहीं करता, कोई सरकार रही हूं, लेकिन घोषणा पत्र कब बन गया, कब रिलीज हो गया और चुनाव के बाद घोषणा पत्र का क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं होता था। 1998 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत जी ने मुख्य सचिव के साथ में अधिकारियों की जो पहली बैठक ली, उस बैठक में चुनाव घोषणा पत्र को उन्होंने मुख्य सचिव को सौंप कर कहा कि यह हमारे योजनाओं का आधार है, हम इन वादों पर, इन घोषणाओं पर चुनाव में जनता के बीच में गए थे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन वादों को, इन घोषणाओं को पूरा करें। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे, किसी ने यह कहा कि आप चुनाव घोषणा पत्र को अपना बाइबल बता रहे हो, कोई कह रहा है गीता बता रहे हो, कोई कह रहा है कुरान बता रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे लिए गीता कुरान बाइबल जितनी अहमियत थी इस चुनाव घोषणा पत्र की है, क्योंकि ये घोषणा पत्र हम जनता के बीच में लेकर गए तो इसके आधार पर हम चुनाव जीत कर आए। चुनाव घोषणा पत्र का मखौल कांग्रेस ने कभी नहीं उड़ाया। चुनाव घोषणा पत्र का मखौल हम 1998 में जीते, तब भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया, उनके नेताओं ने उड़ाया, फिर हमारा मखौल उड़ाया गया। ये हमारा मखौल नहीं था, ये एक स्वच्छ तरीके का मखौल था, जिस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जो जनता के बीच में रिलीज किया जाता है, जनता के बीच में जाता है, उसके आधार पर कार्य योजना बननी चाहिए, उन घोषणाओं का, उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। उस वायदे का वो मजाक था। नहीं, सवाल ये, मैं एक मिनट में मेरी बात पूरी कर लूंगा। और इस बार फिर जब 2018 में हमने चुनाव घोषणा पत्र को राज्य के प्रशासन को सौंप कर ये कहा कि हमारा फिर से यही हमारे कार्य योजना का आधार है, फिर हमारा मखौल उड़ाने की कोशिश की गई। आपने जो सवाल किया, मैं आधार बता रहा हूं कि कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र का महत्व जानती है, उसके मायने जानती है। हम अभी भी और आगे भी जब हम चुनाव में जाएंगे, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। आपने बात की भारतीय जनता, हमने किसानों के ऋण माफी की बात की,
आपको याद होगा कि 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जो उस समय का समूचा विपक्ष था, उस विपक्ष ने देश के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि हम सत्ता में आते ही लोकपाल बना देंगे देश में। कितने समय में लोकपाल बना? अभी 10-15 दिन पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई जब उस कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये मखौल है देश की जनता के साथ में। और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने किसानों को ऋण माफी की बात की, एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होती है। नहीं, उस... विपक्ष का आरोप है महेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सुबह से विपक्ष ने कहा बेरोजगारी भत्ता, मैं आपके आरोप नहीं लगा रहा, आपके आरोप नहीं लगा रहा, आप मेरे को वही बात कह रहे हैं जो विपक्ष ने उठाई है। मैं कहना चाहता हूं, आप 10,000 रुपए का ऋण भी बैंक में अपना लेने के लिए जाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप उस 10,000 रुपए के ऋण को अगर माफ कराना चाहते हैं, उसमें से सब्सिडी भी लेना चाहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होता है। हमने ऋण माफी की घोषणा की है, हमने ऋण माफी के लिए पूरे नियम बना लिए हैं, कायदे कानून बना लिए हैं, ऋण माफी के पत्र भी हमने जारी कर दिए हैं। और हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो वादा हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया, हम उस वादे को पूरी तरीके से लागू करेंगे। जो जिस ऋण माफी की हमने बात की है, जब तक उन सारे किसानों का जो उस नीति में आ रहे हैं ऋण माफ नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं, अगर आपने देखा हो, अभी आपके अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक घोषणा करी है, मैं मतलब अभी घोषणा पत्र आया नहीं है, चुनाव से पहले ही, चुनाव के दौरान घोषणा पत्र से पहले ही आप वायदे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप क्यों पहले इसको क्यों करते हैं? जब किसानों को 6,000 रुपए देने की बात आई, तब तो ये बात नहीं उठी। नहीं, मैं प्रधानमंत्री को घोषणा करते हैं, अगर होते तो उनसे भी आप सवाल नहीं उठाते, मीडिया सवाल नहीं उठा रहा। सवाल आज तक किसी मीडिया ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राफेल की कीमत क्यों नहीं बताते हैं आप? किसी मीडिया ने नहीं पूछा, पूरा का पूरा मीडिया सरेंडर है प्रधानमंत्री जी के आगे। नहीं, हमारा मुद्दा ही यही है कि क्यों नहीं राजनीतिक दल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, वो क्यों नहीं लिख के देते कि हम ये घोषणाएं कर रहे हैं, हम इसको इतने समय में पूरा करेंगे। हमारा मुद्दा यही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए? देखिए, हम तो कह रहे हैं, हमने तो तीनों बार हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र को मुख्य सचिव को देकर ये कहा, ये घोषणाएं पूरी करनी है, उस प्रक्रिया में जो समय लगता है, हम मुख्यमंत्री ने शपथ ली, सरकार बनी और अगले दिन ही चुनाव कर्ज माफी के बाद भारतीय जनता पार्टी करने लग गई। किसी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर यह नहीं कहा कि भाई कर्ज माफी का जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है, किसी ने नहीं कहा। कोई मुद्दा उठाते हैं मीडिया, उसको कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कमी नहीं रख रहा है, लेकिन राजस्थान के चुनाव में भी यही माहौल रहा, लेकिन जनता जानती है, जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। और मैं फिर यह कह सकता हूं, आने वाले चुनाव में जनता इन सब बातों का अपने तरीके से जवाब देगी। नहीं तो महेश जी, सवाल यही है कि अब जो इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं या इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है, आप उसमें देख रहे हैं कि विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठा रहा है जो घोषणाएं 2014 में बीजेपी सरकार ने या बीजेपी पार्टी ने की थी। आप देखें कि आप जो कोई चौकीदार के मुद्दे पे, दूसरे मुद्दे पे भटक रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से, आप विपक्ष में हैं, आपका एक दायित्व बनता है, आप वो बताएं, पूछें, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं इस बात? सर, मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा हूं, प्रक्रिया में जो समय लगता है वो तो लगेगा, नीतिगत निर्णय हमने कर लिए। नीतिगत निर्णय हो गया भारतीय जनता पार्टी, नीतिगत निर्णय नहीं हो गया, हम उस पर अमल शुरू कर चुके हैं। अब आचार संहिता है, हम आचार संहिता का तो उल्लंघन नहीं कर सकते। आचार संहिता जिस दिन खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो बचे हुए ऋण माफी के पत्र हैं वो फिर दिए जाएंगे। सिर्फ एक घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, आप 1,00,000 बिजली कनेक्शन की बात, हमने एक घोषणा की है कि किसानों को 1,00,000 बिजली कनेक्शन नए दिए जाएंगे। क्या 1,00,000 बिजली कनेक्शन एक दिन में, दो दिन में, पांच दिन में दिए जा सकते हैं? उसकी एक प्रक्रिया है, वो समय लगता है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि मीडिया, आपने कहा कि मीडिया जो है बीजेपी से नहीं पूछ रहा है, मेरा सवाल यही है कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं करी थी, उनका आप लोग जवाब नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
स्मार्ट सिटी बनेंगी, किसानों के लिए कई घोषणाएं करी थी, आप अब आप उसमें तो आप पूछ ही नहीं रही हैं उनसे। मैं वही निवेदन कर रहा हूं, हम तो पूछ रहे हैं, नहीं आप हमारी बातों का आपसे मतलब इंडिविजुअल अजीत जी आपसे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं देश का मीडिया जनता के बीच में लोकतंत्र में आज की तारीख में सबसे सशक्त कोई माध्यम है जो जनता की बातों जनता के बीच में बातें उठा सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, वो मीडिया ही है। और मीडिया ने आज तक नहीं पूछा, सारे सवाल राहुल गांधी जी से पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई सवाल नहीं करता। दो करोड़ रोजगार की बात अकेले कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल क्यों करें, वो तो करेंगी करेंगी, मीडिया को भी तो करना चाहिए, मीडिया भी तो जनता के प्रति जवाबदेह है, मीडिया कोई सवाल नहीं कर रहा। जितनी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी 15 लाख रुपए की, आज तक मीडिया ने पूछा, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से सारे मीडिया से कि देश की जनता के प्रति सबकी जवाबदेही है, हमारी भी है, हम राजस्थान में पक्ष में हैं, राजस्थान के विपक्ष की भी है, देश का जो पक्ष है उसकी भी है, देश का जो विपक्ष है उसकी भी है, और मीडिया की भी जवाबदेही है। अगर जनता कोई अखबार पढ़ना बंद कर दे, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चैनल को देखना बंद कर दे, तो उसके कोई मायने नहीं है, मायने तभी हैं तब जनता में साथ है। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, पूरे मीडिया से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, मैं कोई आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो ये मैं समझता हूं कि मीडिया और पार्टियों के बीच में होने ही नहीं चाहिए, मैं कोई आपके आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं मीडिया से आपके माध्यम से कि सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछे जाएं, सवाल वसुंधरा जी से भी पूछे जाएं, सवाल गुलाबचंद कटारिया जी से भी पूछे जाएं, सिर्फ कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से सवाल नहीं किए जाएं, हर सवाल का एक जवाब है, कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे भाई, कांग्रेस ने इस देश को बना दिया, जिस हालत में देश था आज, मतलब नए नए तरीके से मीडिया के माध्यम से बातें प्रचारित कराई जा रही हैं। मैं ज्यादा कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं मीडिया के खिलाफ हूं, मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो सबसे सशक्त माध्यम जनता के बीच जाने का मानता हूं तो मीडिया को मानता हूं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं, उसके बड़े नेता हैं, चीफ व्हिप हैं यहाँ पे, तो मेरा सवाल ये है, क्या आप ये हमको भरोसा देंगे कि क्या कोई कानून बनना चाहिए इसके लिए, क्या आप लिखकर देंगे कि आपकी जो भी पार्टी है या आप अपनी पार्टी का एक भरोसा हमको देंगे या लिखकर देंगे कि भाई कानून बनना चाहिए कि भाई जो वायदे किए जाएं उसके कब तक पूरे होंगे, क्या होगा इसके लिए, क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं, क्या आपकी पार्टी चाहती है कि ऐसा कुछ कानून बने? निश्चित रूप से सहमत हूं, देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो इतनी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमने मैं तीनों सरकार देखी है, एक सरकार के वक्त में पहले MLA था, दूसरे के वक्त में MP हो गया और तीसरी के वक्त फिर MLA हूं। तीनों सरकारों में ये हमने घोषणा पत्र को आधार बना के राजनीति करने की बात करी है, तो घोषणा पत्र के आधार पर जनता के बीच में जाने की बात करी है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, एक इस तरीके का कानून बनना चाहिए, इस तरीके का आयोग या कोई एक बॉडी ऐसी बननी चाहिए, स्टेचुटरी बॉडी हो जो इस बात की जांच करे कि कौन सी पार्टी क्या क्या घोषणाएं लेकर जनता के बीच में गई थी और क्या किस घोषणा को पूरा करने के लिए इस पार्टी ने क्या किया है। मैं ये कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि हम कोई वादा करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उस वादे को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए। देश में कानून का राज है, कोई वादा ऐसा होता है हम कोई भर्ती करना चाहते हैं इस्टे आ जाता है तो वो एक परिस्थिति अलग है, लेकिन नियत पे जरूर जाना चाहिए। और वो आयोग जो बने या जो भी बॉडी बने वो बॉडी जनता के बीच में ईमानदारी से इस बात को रखे कि इस पार्टी ने बात की, और इसमें सिर्फ चुनाव जीतने हारने की बात नहीं है, कांग्रेस आज सत्ता में है राजस्थान में, कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार आप उन वादों को कैसे भूल गए जो इसको लेकर आप चुनाव में गए थे। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूं, सहमत हूं, आपकी बात का समर्थन करता हूं। महेश जी, आपने कहा कि ये बनना चाहिए कानून और आप इसके लिए सहमत हैं, तो मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है कि अब चुनाव का दौर चल रहा है, अब आप पार्टी आपकी पार्टी भी घोषणा पत्र लाएगी, अब आप ये बताएं कि अभी हाल फिलहाल क्या माहौल आपके प्रदेश में चल रहा है, क्या होने जा रहा है इस वक्त चुनाव में? मैं समझा नहीं, जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के उसमें क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कहां पर है इसमें? देखिए, सारी पार्टियां जो भी चुनाव लड़ती है 25 सीटें 25 से 25 जीतने की उम्मीद लेकर चुनाव लड़ती है, कौन सी कमजोर है कौन सी ताकतवर है ये आकलन करने का काम तो मीडिया का है, लेकिन कोई पार्टी हो वो 25 की उम्मीद करके चलती है, 100% सफलता के लिए हर पार्टी सोचती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, हर पार्टी सारे चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, कितने चुनाव जीत पाती है वो एक अलग बात है।
पर इस वक्त जो बीजेपी है प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे होंगे कि वो सेना को अपना भाषणों में ज्यादा ले रहे हैं, वो अपने जो वायदे उन्होंने किए थे उसकी चर्चा कम हो रही है और कांग्रेस फिर उसी पे उलझ जा रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ये सेना वाला जो मुद्दा बन रहा है आप लोगों के लिए नुकसान करेगा? नहीं, हम देखो, हम तो एक बात जानते हैं, कांग्रेस कुछ फायदा हो चाहे कोई नुकसान हो, कांग्रेस के अपने सिद्धांत है, कांग्रेस के अपने तौर तरीके हैं। हम उन तौर तरीकों से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी बार बार एक बात कह रहे हैं, ये सच की लड़ाई है, ये प्यार मोहब्बत से जनता के बीच में जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हम किसी भी प्रकार की कठपुतली नहीं चाहते, किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं चाहते। पूरे चुनाव में सकारात्मक रहना चाहती है कांग्रेस और सकारात्मक रहेगी, इस बात का मैं विश्वास रखता हूं। तो ये थे महेश जोशी जी, इन्होंने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि कानून बने, जो वायदे जो भी पार्टी करे उसकी जिम्मेदारी हो और वो तय समय पर एक समय सीमा बताए कि उसका पूरा करेंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अब जो चुनाव आने सामने हैं उसमें घोषणा पत्र दोनों दल लाएंगे और ये वो जनता से वायदा करेंगे कि वो अभी एक समय सीमा बताएंगे कब तय करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो उसमें जो वायदे पार्टियां करती हैं वो केवल वायदे ना रहें, उन पर अमल किया जाए। इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम पूर्ण होता है। धन्यवाद।